Guys, welcome or welcome back to our channel. In today's video, I'm going to sharing with you all this makeup look. तो जैसे कि आप लोग को पता है कि ईद आने वाली है, तो स्पेशली मैंने ये टीनेजर्स के लिए क्रिएट किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये टीनेजर्स के लिए ये लुक परफेक्ट है. क्योंकि पहले तो इसमें सारे प्रोडक्ट्स बजट फ्रेंडली यूज़ किए गए हैं, सारे प्रोडक्ट्स 250 के अंदर या फिर 250 के होंगे. और सेकेंड की ये लुक में मैंने गोल्डन कलर से आई लुक किया है, लाइक आई लुक क्रिएट किया है. तो गोल्डन कलर के कपड़े इजीली, या कपड़े में गोल्डन कलर होता ही है, तो ये आउटफिट के साथ आपको इजीली चले जाएंगे, लाइक बेस्ट रहेंगे. और थर्ड कि अगर आप बिगिनर हो तो आई डोंट थिंक सो आप हैवी मेकअप लुक के साथ जाओगे, लाइक स्टार्टिंग करोगे. और ये लुक में मैंने जितना मैं इजी रख सकती थी उतना मैंने कोशिश किया है. इसमें मैंने मुश्किल से 3 से 4 आई शेडोज़ यूज़ किए होंगे. और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो एंड तक और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो, तो आप ऐसा लुक इजीली क्रिएट कर सकते हो. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. ये लुक कैसे क्रिएट किया है आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हमें स्किन केयर करना है, उसके बाद आपको प्राइमर लगाना है अपनी टी जोन एरिया पे. इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि गर्मी है, मेकअप ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता है. तो मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट है. और प्राइमर के बहुत सारे बेनिफिट है. डू लेट अस नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आपको प्राइमर के ऊपर वीडियो चाहिए या नहीं. तो सबसे पहले हम आई मेकअप से स्टार्ट कर रहे हैं. तो मैं आईब्रोज फिल कर रही हूँ, क्योंकि आई मेकअप से आपको इसके लिए पहले स्टार्ट करना है, क्योंकि जो भी फॉल आउट होगा हम उसको ईजी क्लियर करके फेस मेकअप कर पाएंगे. तो अभी मैं आईब्रोज फिल कर रही हूँ. सो सबसे पहले आपको अपने आईलिड पे कंसीलर लगाना है. कंसीलर एज अ आई प्राइमर वर्क करेगा, और जो भी आईशैडो आप अपने आईलिड पे लगाओगे वो उठ के आएगा और मतलब अच्छा दिखेगा. और आपके आईब्रोज के साइड साइड में इसके लिए लगाना है, क्योंकि आपकी आईब्रो मतलब डिफाइन होकर आएगी और आईब्रो का शेप अच्छा दिखेगा. इसके बाद आपको इसको ब्लेंड करना है ब्यूटी ब्लेंडर से, या फिर आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो. ब्यूटी ब्लेंडर डैम ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए. ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर मतलब कि उसको आप पानी से सोक नहीं करते हो. और डैम ब्यूटी ब्लेंडर में क्या होता है कि आप पानी से उसको सोक करोगे और बाकी सब पानी उसका स्क्वीज कर लोगे टाल से. तो ऐसे करने के बाद आपको इसको सेट करना है. सेट करना है इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो आपका आई मेकअप क्रीज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा. सो हमारा आई लुक कुछ ऐसा क्रिएट होने वाला है. तो हम दूसरे साइड से स्टार्ट करते हैं. तो मैंने ये पैलेट लिया, उसमें से मैं एक ब्राउन शेड ले रही हूँ. उसको अपने आउटर वी पे पहले मैं प्लेस करूँगी. पहले आपको प्लेस करना है, ब्लेंड कर लो. इसके बाद एक तो आप अपने आउटफिट से मैचिंग शिमर शेड लो, या तो अगर आप यही लुक क्रिएट कर रहे हो तो गोल्डन शेड ले लो. इसके बाद मैं एक स्मॉल ब्रश ले रही हूँ, उस पर मैं फेस में स्प्रे करूँगी. इससे क्या होगा कि आपके शेडो का पिगमेंटेशन बढ़ जाता है. मैं हर टाइम यही वाला ट्रिक यूज़ करती हूँ. तो अगर आपके पास कोई भी आई शेडो है जिसका एकदम भी पिगमेंटेशन नहीं है ना, तो ये ट्रिक यूज़ करने से आपका आई शेडो का पिगमेंटेशन अच्छा हो जाएगा. और ये पैलेट अच्छा है गाइस, अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो लॉकडाउन के बाद ख़रीद लेना. और इसको मैंने अपने 1/3 आईलिड पे लगाया है. उसके बाद मैं ये दोनों शेड ले रही हूँ, एक क्रीम लाइक क्रीम काइंड ऑफ शेड है और एक ऑरेंज काइंड ऑफ है. तो ये दोनों शिमर थे, तो मैं अपने 1/3 जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे लगा रही हूँ और उसे ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि एजी ना लगे वो पार्ट. और इसके बाद हम आईलाइनर लगाएंगे. अगर आपको आईलाइनर कैसे लगाना है उसका वीडियो चाहिए, तो डू लेट अस नो इन दी कमेंट सेक्शन, हम उस पर भी वीडियो बना सकते हैं. तो यहाँ पे मैं एक विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ. तो इट इज़ ईजी, अगर आपको वीडियो चाहिए तो बताना. इसके बाद मैं जॉइन कर दे रही हूँ उसको. अभी मैं काजल ले रही हूँ, इसको मैं काजल को लगा लूँगी और आईलाइनर के इसे जॉइन कर दे रही हूँ, ताकि आपकी आंखें बड़ी लगे. और इसके बाद मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ. तो हाइलाइटर के साथ भी वही ट्रिक करना है, ये पिगमेंटेशन बढ़ा देता है, सिंपल सा ट्रिक है. तो अभी आप देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है. तो इसके बाद हाइलाइटर लगाने के बाद अभी ऑलमोस्ट आई मेकअप हो गया है, मस्कारा लगा लेंगे. तो अभी मैं मस्कारा भी लगा रही हूँ. सो मैंने सबके प्राइस और फोटोज़ डाले हुए थे, बट इसका नहीं मिला क्योंकि मैंने इसे लोकल मार्केट से लिया था. तो अगर आप लोकल मार्केट से लोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा. आई मेकअप हो चुका है, फेस मेकअप से स्टार्ट करते हैं. अंडर आई में मैं लगा रही हूँ ये कंसीलर. इसमें येलो टिंट है, तो जहाँ पे भी डार्कनेस है मैं वहाँ पे लगा रही हूँ, कलर करेक्ट हो जाएगा. अगर हाईलाइटिंग के लिए चाहिए तो 2 शेड लाइट ले लो आप कंसीलर.
फाउंडेशन और बीबी क्रीम में से आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ चूज़ कर सकते हो। ज़्यादा कवरेज चाहिए तो ऑब्वियसली फाउंडेशन, और अगर लो टू मीडियम चाहिए तो बीबी क्रीम। बिल्ड करके आप बीबी क्रीम को मीडियम तक ला सकते हो। तो टीनेजर्स को डार्क लाइक ब्लेमिशेज एंड पिगमेंटेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बस फ़ोन रात को खेलते तो हमें डार्क सर्कल्स का हो जाता है कभी कभी, तो इसलिए आप कंसीलर से उसे हाइड कर दो। तो यहाँ पे मैंने कंसीलर वाले पैलेट से कंटूरिंग के लिए लिया है। तो कंटूरिंग फेस के हिसाब से होता है, आपका फेस कौन से शेप का है, अगर उसका भी वीडियो चाहिए तो लाइक कमेंट में बता दो। और यहाँ पे मैंने फॉरहेड कंटूर किया है, नोज़ कंटूर किया है, और जॉ लाइन जो नहीं है उसको भी कंटूर कर ब्लेंडर से। तो सारे क्रीम प्रोडक्ट्स को पहले मैं लगा ले रही हूँ, उसके बाद मैं सबको एक साथ में सेट कर दूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर से, वो इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो मेकअप क्रीज हो जाएगा। अभी मैंने ये ब्लश के लिए लिपस्टिक यूज़ किया है, और ब्लश भी है मेरे पास ADS का, वो अराउंड 65 रुपीज़ का था, तो आप वो यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास वो है तो। तो मैंने लिपस्टिक यूज़ कर लिया, आप लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो एज अ ब्लश पिंक कलर की। अभी मैं सबको सेट कर दे रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर से नेक को, क्योंकि हमने नेक में फाउंडेशन लगाया था, और फेस में। और अभी मैंने हाइलाइटर लगा लिया है ऑफ कैमरा चीक बोन्स पे, बट अभी मैं नोज़ पे लगा रही हूँ। और मैंने ये क्या बोलते हैं ब्रश पे मेकअप सेटिंग स्प्रे या फिर फेस मिस्ट जो भी स्प्रे कर लो उससे करोगे तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा। अभी मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, वही जो मैंने ब्लश के तरह यूज़ की थी। ऑलमोस्ट मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है। मेकअप सेटिंग स्प्रे की जगह पे हम फेस मिस्ट यूज़ करेंगे ताकि सारे प्रोडक्ट सेट हो जाए एक साथ। और आई मेकअप पे आपको नहीं स्प्रे करना है, और ब्यूटी ब्लेंडर से एक्सेस लाइक उसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा टैप कर दोगे तो। और अभी हमारा मेकअप लुक हो गया है कम्प्लीट, नाउ लेट्स सी सम ब्यूटी शॉट। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर दोगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन है कि अगला कंटेंट हम किस बारे में ला सकते हैं, या फिर ब्यूटी से रिलेटेड है, मेकअप से रिलेटेड है, स्किन केयर से रिलेटेड है, तो वो वीडियो मैं बना सकती हूँ, तो अगर आप बताओगे तो हम लोग उस सजेशन पर काम कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा उसको हिट कर दो, और उसके साइड में एक बेल आइकन दिखेगा उसको भी क्लिक कर दो ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए, और जब कभी भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा। और 6000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी करवा दो गाइज एंड सपोर्ट अस। नाउ आई एम गोइंग, बाय, बट स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।